हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आरम क्लासेस इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन जिसमें थर्ड पार्ट एक्सरसाइज का जिसमें टेन क्वेश्चन हैं तो ये सारे क्वेश्चन मीडियम टाइप बहुत लॉन्ग कुछ लॉन्ग आंसर्स नहीं है शॉर्ट आंसर्स भी नहीं है मीडियम आंसर्स हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड से थर्ड क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ इस, इसका फर्स्ट पार्ट है वट आर बाइड लीगेंट्स गिव एग्जाम्पल तो बाईडेंटेट लीगेंट्स क्या होते हैं बाईडेंटेट लीगेंट्स होते हैं जिनमें कि दोनों एक मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों जो एटम्स होते हैं दो एटम्स अगर कंट्रीब्यूट करते हैं लीगेंट्स को जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए ठीक है तो डेफिनेशन आप लिखेंगे द लीगेंट्स विच बाइंड टू देंटर एटम थ्रू टू डोनर एटम्स तो ये नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर ये सेंटर एटम को देगा इथैलिन डायामाइन के केस में और ये वाला नाइट्रोजन भी इसको सेंटर आइटम को देगा तो ऐसे लीगेंट्स को हम बाइडेंटेड लीगेंट्स कहते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इथैलिन डायामाइन जिसको हम ई एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑक्जलेट आयन भी है इसमें एक एग्जाम्पल पूछा तो हम एक ही एग्जाम्पल देंगे सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है यहाँ पे नेगेटिव है इसमें एनआनिक कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर uh, कितने नंबर ऑफ लीगेंट्स अराउंड करते हैं या प्रिसाइजली अगर हम कहेंगे कि तो कितने लोन पेयर्स मेटल रिसीव कर रहा है उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट ऑलवेज नंबर ऑफ लीगेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड टू सेंटर मेटल एटम अलग अलग जैसे इस केस में देखो अलग है ना मॉलिक्यूल इज वन बट टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर टू मेटल सेंटर मेटल एटम तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे तो कितना फाइव पेयर्स यहाँ से मिल रहे हैं एक पेयर यहाँ से मिल रहा है सिक्स हो गए टोटल तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स एज सराउंडेड बाय सिक्स लीगेंड्स ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे ठीक है और ये जो लीगेंड्स से हमको सिक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर दोनों ही तो जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स बाहर माइनस वन चार्ज है तो ये एक्स है प्लस अमोनिया न्यूट्रल लीगेंड है ज़ीरो प्लस माइनस फाइव तो एक सी एल वन माइनस कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो फ़ाइव करेगा वन माइनस वन इंटू फाइव माइनस फाइव तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है एम सी क्यूज़ में भी क्वेश्चन आया था ये कलेक्टिवली कि ऐड करके बताओ कॉर्डिनेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर को तो अगर ये केस होता तो ऑप्शन होता आपका टेन आप सिक्स प्लस फोर करते हैं वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट गिव एन आंसर इसको मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है तो डबल सॉल्ट डबल सॉल्ट होते हैं ऐसे सॉल्ट जो एग्जिट नहीं एग्जिस्ट ऑन इन सॉलिड स्टेट एंड डिसोशिएट इंटू कॉन्स्टिटूंट स्पीसीज जिससे भी जैसे मोहर सॉल्ट का एग्जाम्पल है ये तो ये सॉल्ट वाटर में डिसोशिएट होगा जितने भी इसके कॉन्स्टिटेंट आयन्स होंगे उन सब में डिसोशिएट होगा तो इसमें कॉन्स्टिटेंट आयन्स कौन कौन से आयरन है सल्फेट है अमोनियम है ठीक है तो ये उसमें डिसोशियेट हो रहा है इनको हम कहते हैं डबल सॉल्ट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो अपनी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करके रखता है और हमको एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा तो इस केस में क्या है एक तो हमको ये मिल रहा है पोटेशियम का आयन और एक हमको ये कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है इसको हम काउंटर आयन कहते हैं तो डिफरेंशिएट करने को आएगा तो ऐसे लिखेंगे कि जो डबल सॉल्ट होते हैं दे एग्जिस्ट ऑनल इन सॉलिड स्टेट एंड डिसोशिएट इन टू कॉन्स्ट्रेंट स्पीसीज इन देयर सॉल्यूशन दे लूज़ देयर आइडेंटिटी इन डिजोल्व स्टेट देखो अलग अलग हो गया ये इन डबल सॉल्ट द मेटल आइटम और आयन एक्जिबिट नॉर्मल वैलेंसी होती है इसकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन सॉल्यूशन स्टेट दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन डिजॉल्व स्टेट इन कोर्डिनेशन कम्पाउंड नंबर नेगेटिव आयन्स और मॉलिक्यूल सराउंडल आयन इज बियॉन्ड इट्स नॉर्मल वैलेंसी तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ाया हमने मेटल आइटम uh, में इसमें ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इनमें पूछा है हमसे कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों में कि किन में इन गिवन एग्जाम्पल्स में विच आर होमोलेप्टिक एंड विच इज हेट्रोलेप्टिक तो होमोलेप आपके होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक डिफरेंस क्या होता है होमोलेप्टिक होते हैं मेटल आयन बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ लीगेंट जब आप कॉर्डिनेशन स्क्यर में वन टाइप ऑफ लीगेंट्स देखेंगे दैट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक तो इसमें कॉर्डिनेशन स्क्वेयर के अंदर बस एनएच थ्री लीगेंड है मतलब एक ही टाइप का है तो ये होमोलेप्टिक है इसमें दो अलग अलग टाइप के हैं एक डाई एमाइन है और वाटर है ये हेट्रोलेप्टिक है, है इसमें भी वाटर है एक्वा है इसमें और थायोसाइनाइट है इसमें तो ये हेट्रोलेप्टिक है, है इसमें एमाइन uh, ही लिखा है वैसे इसमें एमाइन और बाकी कोई भी लीगेंड नहीं है तो ये होमोलेप्टिक होगा बाकी इसमें हमको और इसका फार्मूला लिखना है पोटेशियम एमाइन ट्राई क्लोरो प्लेटिनेट ठीक है तो अगेन यहाँ पे देखो पोटेशियम यहाँ प्लेटिनेट है इसका मतलब ये एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव पोटेशियम बाहर आएगा इसमें तो पोटेशियम बाहर होगा कॉर्डिनेशन स्पेयर के तभी यहाँ ये यह एनाइनिक होगा एमाइन है और ट्राईक्लोरो है ठीक और यहाँ पे इन्होंने कितने पोटेशियम होंगे ये यह हमको यहाँ से गैस करना होता है तो यहाँ पे प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है वो टू दिया है ठीक है दिस इज़ टू ये टू है प्लस अमोनिया तो ज़ीरो होता है प्लस माइनस थ्री इज इक्वल टू ये कितना होना चाहिए यहाँ पे मतलब ये चार्ज कितना होना चाहिए यहाँ पे तो चार्ज होना चाहिए यहाँ पे माइनस वन ठीक है ये माइनस वन चार्ज होना चाहिए तो माइनस वन चार्ज कब होगा जब एक ही पोटेशियम होगा तो इसलिए ये इसका फार्मूला होगा डाइस आइनो और एट आयन अगेन ये भी एट है इसमें मेटल पे सफिक्स पे तो ये भी एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो यहाँ पे दिया है डाई साइनो है तो डाई साइनों टू साइनो है यहाँ पे तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा दैट डिपेंड्स ऑन दिस अगेन यहाँ पे भी चेक कर लेंगे हम इस पे ऑक्सीडेशन नंबर आया है वन और माइनस टू इजिक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे माइनस वन तो इसलिए हमने मारा यहाँ पे माइनस वन लिखना आयन लिखे ना आपको नंबर थोड़ी दिया यहाँ पे तो माइनस वन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आयनाइजेशन आइसोमर्स गिवन एग्जांपल आयनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं आइसोमर्स विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ लीगेंड्स बिटवीन कॉर्डिनेशन एंड आयनाइजेशन स्फेयर तो एक्सचेंज ऑफ लीगेंड्स होता है कॉर्डिनेशन स्फेयर ये और आयनाइजेशन स्फेयर के बीच में तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर्स आप देख रहे हो यहाँ पे एसोफो कॉर्डिनेशन स्फेयर में है और बी आर आयनाइजेशन स्फेयर पे है यहाँ पे एक्सचेंज होता है बी आर अंदर आ जाता है एसोफुर बाहर चला जाता है

कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फिग्रेशन होता है इसका वो ट्वेंटी सेवन नंबर है फोर एस टू थ्री डी सेवन अब यहाँ पे जो हमको दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन में है यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है ये एन कॉम्प्लेक्स है टू माइनस चार्ज के साथ तो मतलब इस पर कोबॉल्ट कितना चार्ज हुआ फिर ये होगा माइनस फोर एक्स माइनस फोर इज टू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस फोर मतलब प्लस टू प्लस टू चार्ज प्लस टू चार्जर तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे वो फोर एस से जाएंगे यहाँ पर जीरो जाएगा अब इसको बॉक्स ऑर्बिटल डायग्राम में बनाएंगे तो हम थ्री डी बनाएंगे फिर फोर एस बनाएंगे फिर फोर बी बनाएंगे तो थ्री डी में तो सेवन इलेक्ट्रॉन है फोर एस में कुछ भी नहीं है इसमें भी कुछ नहीं है मतलब इनिशियल तो हमने फिल कर दिया ना इसका डायग्राम ऐसा होगा या आप पहले थ्री डी बनाएंगे जो कि वन टू थ्री फोर फाइव इसमें तो रहेंगे इलेक्ट्रॉन ठीक है फिर जो हमारा फोर एस रहेगा एम पी रहेगा और इसके एडजेसेंट फोर एपी भी एम टी रहेगा अभी जो सी एल है इसमें फोर सी एल फोर सी एल इसमें क्या करेंगे ये जो एम पी टी और सेंट्रल मेटल एटम के यहाँ पे ये यहाँ पे एडजस्ट होंगे यहाँ पे ठीक है तो ये सी एल ने दिया एक लोन पेयर एक लोन पेयर एक लोन पेयर एक लोन पेयर तो जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन है में वो है वन एस और थ्री पी तो एस पी थ्री हाइब्रडाइजेशन है इसका फिर नेक्स्ट इसमें अगेन स्ट्रॉग इस फील्ड वीक फील्ड ये सी एफ टी से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ये भी नहीं है रिड्यूस्ड पार्ट है इधर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल डायग्राम ये भी नहीं है हमारे पास तो ये जो थर्ड पोर्शन था एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है अब हमारे पास बचते हैं फोर्थ से और इलेवेंथ तक के तो ये नेक्स्ट अभी कमिंग जो वीडियो अपलोड करूंगी उसमें कवर करते हैं थैंक यू